हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूँ विराश और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेटर को। ये लेटर होगा लेटर टू ब्रदर ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर अपने ब्रदर को आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, किस तरह से आपको फॉर्मेट रखना है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए, स्पेशली SSC CGL CHSL MTS अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसको तैयार कर सकते हो और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आपको कवर कर सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स उनको भी आप वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले लेना है जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप कवर कर लोगे, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, और 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके अगर इसको आप बाय करते हो तो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि यू आर रमन और रितिका, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर अभिषेक अबाउट द पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ है रमन या फिर रितिका, आपको अपने यंगर ब्रदर अभिषेक को लेटर लिखना है पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर सोशल मीडिया के। राइट, तो इसको किस तरह से लिखना है ये देख लेते हैं, क्या फॉर्मेट रखोगे आप। देखो, जब आपको कोई भी एड्रेस ना दिया हो तो उस केस में आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, और जो भी प्लेस का नाम होगा जहाँ पर भी आप दे रहे हो पेपर, वहाँ पर उस प्लेस का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में अगर आप दे रहे हो तो न्यू दिल्ली करके लिख सकते हो। राइट, उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। ठीक है, डेट आप लिखोगे इसी फॉर्मेट में, आपको लिखनी है 13 जुलाई 2020, और फिर आप डियर अभिषेक और कॉमा लगा के शुरुआत कर सकते हो। राइट, और एक ब्लॉक शुरुआत में छोड़ देना, उसके बाद लिखना बेटर रहेगा, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा आपका जो टॉपिक को देखने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला ब्लॉक जो है वो छोड़ना है आपको। इसके बाद आपको शुरुआत करनी है, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेयर एंड हार्टी। अब जैसे मैं यहाँ पर इसी फेस का यूज़ करता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हो, अगर आप फ्रेज नहीं ऐड करना चाहते। ठीक है, आई एम गुड ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट द पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पर आपने इन्फॉर्म भी कर दिया कि आप इस ये लेटर किस बारे में ले होने वाला है, किस बारे में आप इस लेटर को लिख रहे हो। राइट, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताना चाहते हो। राइट, शुरुआत अब आप कर सकते हो, यहाँ पर आप शुरुआत करोगे, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आप शुरुआत करोगे आप यहाँ से। ठीक है, सोशल मीडिया हैज़ चेंज द वे पीपल इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, यानी आप यहाँ पर बता सकते हो सोशल मीडिया ने एक तरह से हमारे इंटरेक्शन करने का तरीका जो है वो बदल के रख दिया है। राइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट एंड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ फ्रेंड्स एज वेल एज मीट न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा लोग जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं और नए लोगों से भी मिल सकते हैं, उनसे उनको फ्रेंड्स बना सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि सोशल मीडिया ने जो इंटरेक्शन का तरीका था हमारा, पहले ट्रेडिशनल तरीका था, हम जाके लोगों से मिलते थे, उनके हालचाल पूछते थे, लेकिन अब क्या है, अब सारी चीज़ें जो है वो मोबाइल से ही हो रही है। राइट, इसके बाद देखो, यूजर्स ऑल्सो शेयर्स वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, यानी जो यूज़र्स हैं वो क्या है, शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को, फोटोज़ को, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स या अदर कोई चीज़, जो भी वो शेयर करना चाहते हैं वो सब शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा। बट सोशल मीडिया डज हैव सम निगेटिव इफेक्ट्स एज वेल। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, निगेटिव इफेक्ट्स भी है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। सोशल मीडिया हालांकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे काम सोशल मीडिया के द्वारा हो जाते हैं। राइट, लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। क्या क्या है, इट हैज़ रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ फेस टू फेस सोशलाइजिंग एंड रिप्लेस इट विद ऑनलाइन इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया के आ जाने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है हमारा फेस टू फेस सोशलाइजिंग जो है वो कम हो गई है, और ऑनलाइन इंटरेक्शन जो है वो बढ़ गया है, काफ़ी तेज़ी से हो गया है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इसको लिख सकते हो शुरू, इस तरह से यहाँ पर आप इसमें बता सकते हो क्या क्या इसकी खूबियाँ और क्या क्या यहाँ पर जो है उसके ड्रॉबैक्स हैं।
ठीक है। इसके बाद देख लो, पीपल दैट फ्रिक्वेंटली यूज सोशल मीडिया साइट्स आर ऑल्सो प्रोन टू सोशल आइसोलेशन एंड विच कैन लीड टू डिप्रेशन एंड डिक्रीज सोशल स्किल्स। ठीक है, अब जो ज़्यादातर सोशल मीडिया जो लोग यूज़ करते हैं वो सोशल आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन और सोशल स्किल्स भी डिक्रीज होती है, इन सोशल स्किल्स की कमी होती चली जाती है। राइट, यू शुड यूज सोशल मीडिया साइट्स एज पर द नीड्स बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ इट कैन कॉज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आप यहाँ पर आपके भाई को सजेशन दे सकते हो कि तुम्हें सोशल मीडिया साइट्स को जो है अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ करने से क्या होगा, वेस्ट टाइम का भी वेस्टेज होगा, साथ ही साथ एनर्जी का भी वेस्टेज होगा। ठीक है, तो टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगी, इस वजह से क्या करना चाहिए, जितना हो सके जितना बेसिकली कम से कम इन साइट्स को यूज़ किया जाए वही बेहतर है, या फिर जो जितनी आपकी नीड्स हैं अपनी नीड के हिसाब से ही इनको यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर अति होती है तो वो ख़राब होती है, वैसे ही इसमें भी है। अगर हम दिन भर सोशल मीडिया साइट्स पर ही लगे रहेंगे तो हमारा इससे काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा, काफ़ी एनर्जी भी वेस्ट होगी। राइट, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। राइट, इसके बाद फाइनली आप लास्ट में लिख सकते हो, आई होप यू विल फॉलो दीज सजेशंस एंड गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड। ठीक है, यहाँ पर आप लास्ट लाइन लिखोगे कि आप यहाँ पर मेक श्योर कर रहे हो कि आप इन जो आपका ब्रदर है वो आपके सजेशन जो आपने दिए उसको फॉलो करेगा और साथ ही साथ मदर एंड डैड को रिगार्ड्स भी कर रहे हो। राइट, उसके बाद यूज लविंगली जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रमन या रितिका लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको कैसे लिखना है, इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। जब भी इस पैटर्न पर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स पर भी पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया की क्या क्या बेसिकली यहाँ पर खूबियाँ हैं उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो अगर कंबाइन में पूछा जाएगा तो इस तरह से आप लिख लोगे। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए आप उसको लिख पाओगे आसानी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से, और बाकी के इसके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा उसकी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने मीडियम के हिसाब से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको दोनों का ही लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। आप अपना कोई टॉपिक सजेशन देना चाहते हो तो भी सजेस्ट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनकेडमी पर फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट जितनी PDF हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ जो न्यू अपडेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करता रहूँगा। राइट फ्रेंड्स, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।